खानपुर हिंसा आरोपी मुख्तार अंसारी ने की है प्रेस वार्ता, खुद को लगे आरोप का किया खंडन। गाजीपुर के दंड अधिकारी कोर्ट में पेश हुए बाहुबली त्रिभुवन सिंह, जहां वह कोर्ट परिसर में लगभग एक घंटे तक रहे। अलीगढ़ में आगामी अलीगढ़ महोत्सव पर एबीवीपी की मांग को लेकर एडीएम को सौंपा गया। संभल में आनर किलिंग का मामला सामने आया, पिता ने की है अपनी ही बेटी की हत्या। फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन ने लोगों को किया है जागरूक, मानव तस्करी से बच्चों को बचाने के लिए की है अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। गोरखपुर में पीएम मोदी ने नीति आयोग से बातचीत की है। इस दौरान पीएम ने नीति आयोग के अर्थशास्त्रियों से चर्चा की। वह इस बैठक के दौरान पीएम मोदी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही, जहाँ पीएम ने केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से राय और सुझाव लेने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और उनकी चुनौतियों का भी आकलन किया। अयोध्या में मकर संक्रांति पर लोगों को इस बार बच्चों के पसंदीदा मोदी पतंग बन रही है। बता दें कि दुकानदारों की दुकान पर पीएम मोदी की तस्वीरें वाली पतंग छाई हुई हैं। यहां मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का सिलसिला तेज रहेगा। इस पर्व पर लोग दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ रंग बिरंगी पतंगे उड़ाएंगे, इसलिए इस पर्व को पतंग पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं पतंग बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि मोदी और योगी पतंग की बहुत डिमांड होती है, बच्चे भी इन पतंगों को बहुत पसंद कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी की पतंग लेने आए हैं। क्या नाम आपका है? नवल जायसवाल। अगली बार भी आए थे पतंग लेने? हाँ। अगली बार किसकी पतंग ले गए थे? कागज की, तो अलग देश से। हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मोदी की पतंगे मांगते हैं, और एक आई थी अभी इसके पहले, एक और भी पतंग आई थी, वो जो फेस्टिवल हुआ था 75 वाला, वो भी पतंग आई थी, वो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद में फिर ये चल रही है और बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव करनखाल में आवारा पशुओं की सरकारी स्कूल में ग्रामीणों ने बंद करने के मामले में 16 किसानों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं मामले की राजनीति तेज हो गई है, जिससे आज किसानों पर दर्ज मुकदमे जल्द वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव चौधरी ने नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने DM SP से मुलाकात की। 16 किसानों पर मुकदमा हुआ था, उस मुकदमे को वापसी कराने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है आज DM साहब से, कप्तान साहब से मिला है, और मुकदमे को वापसी कराने की हम लोगों ने मांग कही है। बहुत जल्दी मुकदमा अगर वापस होगा तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये समय देखिए कैसा आ गया, पहले गाय माता होती थी, आज की डेट में BJP वाले उन्हें आवारा पशु बताते हैं, क्योंकि जितने भी वहाँ पर स्कूल में जो बंद किए गए थे उसमें से अधिकतर गायें, बछड़े और बिजार थे, आवारा पशु नहीं थे। और गायें की हालत आवारा पशु जैसी जो इन्होंने की है, इनकी भी हालत आवारा जैसी बहुत जल्दी जनता करेगी। हरदोई में पुलिस अब वैज्ञानिक तरीकों से मामले का खुलासा करने में लग गई है। बता दें कि हरियाणा इलाके में एक महिला का अर्धजला शव मिला था। इस ब्लाइंड मर्डर को लेकर पहले तो पुलिस महिला की शिनाख्त में जुटी थी, लेकिन अब SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से शिनाख्त करते हुए महिला की हत्या का खुलासा किया गया है। बता दें कि महिला का आशिक ही उसका हत्यारा निकला, जिसके अवैध संबंधों के शक में अपने साथी के साथ मिलकर महिला के गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसको मरा समझकर जिंदा जला दिया, जिसके साथ ही घटना का खुलासा करने वाली टीम को SP ने 25,000 का इनाम देकर पुरस्कृत भी किया है।
एक शराफत नाम के व्यक्ति जो कि उन्हीं के गांव का है, वो उसको 3 साल पहले लेकर के चला गया था, अपने साथ लेकर के रहता है। हमारी टीम लगी हुई थी और आज उसकी शराफत जो अक्यूज था उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसने बताया था कि इस युवती के साथ रहता था, चरित्र पर शक होने की वजह से ये अपने एक परिचित के साथ ले जा करके थाना हरियाणा क्षेत्र में पहले गला दबाया, उसके बाद जला करके मार दिया। कानपुर हिंसा में आरोपी बनाए गए मुख्तार अंसारी ने आज एक प्रेस वार्ता की है और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि लगातार 20 सालों से जब जब शत्रु संपत्ति जमीनों पर कब्जे का आरोप लगा तब तब उन्होंने आला अधिकारियों और कोर्ट के समक्ष अपने कागजात पेश किए हैं, लेकिन एक फर्जी संस्था जो शत्रु संपत्ति के संरक्षण की बात करती है जबकि यह संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन लगातार शत्रु संपत्ति के नाम पर आला अधिकारियों को भ्रमित कर बार बार जाँच कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह संस्था लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करती है। ये इवैक्यू प्रॉपर्टी का चल रहा था 2017 में, ये डीएम साहब को इन्हें एप्लीकेशन दी कि साहब शाहिद अलीम जो हैं ये पाकिस्तानी है और जो है इनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित की जाए। डीएम सुरेंद्र सिंह थे, उन्होंने 2017 में ऑर्डर पास कर दिया कि ये प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है, शाहिद साहब की 13 प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी घोषित हो। अमेंडमेंट हमने हाई कोर्ट में लगाया, अमेंडमेंट मेरा 2020 में पास हो गया और वो चल रहा है अभी। तो 2021 में एक ऑर्डर हुआ सितंबर में, ये पाल साहब ने किया ऑर्डर, एडीएम थे वो, उन्होंने ऑर्डर किया कि ये 15 दिन के अंदर ये पूरी 13 संपत्ति जो है शाहिद अलीम की ये खाली कर दी जाए, जो जिसमें नोटिस चस्पा हुआ उसमें फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, फिर वो स्टे हो गया ऑर्डर और वो स्टे आज तक चल रहा है, 4-4 स्टे हाई कोर्ट के चल रहे हैं और ये सिर्फ प्रशासन को ये देते हैं कि साहब ये शत्रु संपत्ति ये है। ये जो ये कैसर जहाँ है ये वहीं बसीर स्टेट में 1946 में रहती हैं, उन्होंने गुलाम जामी मोजुद्दीन साहब के मकान पर कब्जा कर लिया था, छत पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तो ये SSP के वहाँ गए और उस वक्त मोहन वर्मा थाना बेगनगंज थे वो है, तो जब वहाँ पर जिससे कम्प्रोमाइज़ हुआ उन्होंने कब्जे से अपने आप उड़ा लिया। मुकदमा चल रहा है, कौन सा मुकदमा चल रहा है, मुकदमा नंबर 501-2000 से मुकदमा चल रहा है आज भी उस मुकदमे में। ये जब से समझिए ये लोग जो हैं टीचर हैं और स्कूल से जैसे रिटायर हो गए, अब इन्होंने अपनी आमदनी का एक नया तरीका निकाला है, मतलब लोगों की प्रॉपर्टी को विवादित कर। अलीगढ़ में गृह कलेश के चलते महिला ने जहर खा लिया है, जिससे महिला की गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना थाना लूंदा क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर की है, जिसके बाद महिला को आनंद फानंद में परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं डॉक्टरों ने महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत के चलते मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झगड़ा हुआ था पति पत्नी में, झगड़ा कब हुआ था? सुबह रहे तो उन्होंने गुस्से में जहर खा लिया। अब कहाँ लेके आए हो? अमल खान सिंह लेके आए इलाज के लिए। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। बेटा? बेटा 2 बेटे हैं और 1 लड़की। संभल में आनर क्लिनिक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बेरहम पिता ने बेटे के साथ मिलकर 19 वर्षीय बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी है। यही नहीं, पुलिस से घटना का राज छुपाते हुए बेटी के जहर खाकर आत्महत्या करने की तहरीर दे दी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर वारदात से पर्दा उठा लिया। थाना एचोड़ा कम्बो के अंतर्गत ग्राम दारापुर में 2 दिन पूर्व एक लड़की का शव उसके घर के अंदर से बरामद हुआ था। इसमें उसके घर के लोगों के द्वारा लिखित में यह तहरीर दी गई थी कि उसके द्वारा जहर खाकर आत्महत्या की गई है। पुलिस के द्वारा जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें एस्फिक्सिया के कारण मृत्यु होना पाया गया। जब घर के सभी सदस्यों से पूछताछ की गई तो उसमें यह घटना खुलकर सामने आई कि इसके पिता व भाई इन दोनों के द्वारा तकिए से मुंह दबाकर तथा गला घोंटकर उस लड़की की हत्या की गई थी। इस मामले में शाहिद हुसैन व शाहनवाज जो क्रमशः इसके पिता व भाई हैं इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इस लड़की का किसी व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध था, जिसके शक में इन दोनों के द्वारा इसकी हत्या की गई। दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। खबर गाजीपुर से, जहां गाजीपुर के मुख्य दंडाधिकारी
कोर्ट में बाहुबली त्रिभुवन सिंह गैंगस्टर एक्ट के मामले में पेश हुए, जहां पर वो एक घंटे तक कोर्ट परिसर में रहे और उसके बाद 9 जनवरी को अगली तारीख मिलने के बाद वो वापस मिर्जापुर जेल के लिए रवाना हो गए। एडवोकेट सुमित ने बताया कि त्रिभुवन सिंह को आज गैंगस्टर के मामले में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि उन पर दो मामले गैंगस्टर के चल रहे हैं। बाइट सुमित अधिवक्ता गैंगस्टर के मामले में उनको पेश किया गया था, पिछली तिथि को भी आए थे, लेकिन इनके दो मामले गैंगस्टर के चल रहे हैं और दोनों पुराने मामले हैं। वो मामले हैं साधु सिंह, मकनू सिंह और अन्य मामले जो बनारस और चंदौली से जुड़े मामले थे, उसमें इनके पे गैंगस्टर लगा हुआ था। तो पिछली डेट को दोनों मुकदमे में इनका वारंट बन गया था, जबकि एक मुकदमे में ये बेल पे थे। तो उसमें एप्लीकेशन पड़ी कि एक मुकदमे में ऑलरेडी हम बेल पे हैं, तो उसी के लिए न्यायालय ने इनको तलब किया था और दूसरे मुकदमे में 309 का वारंट जो बना था उसको न्यायालय ने स्वतः निरस्त कर दिया। और एक मुकदमा जो स्टेट विजय शंकर सिंह चलता है, उसमें एक अभियुक्त सुरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई, तो उनके बाबत मृत्यु आख्या न्यायालय में आ गई है और अगली तिथि को एविडेंस होगा, उस आधार पर उनकी पत्रावली अपडेट की जाएगी, बाकी फर्दर एविडेंस पे पत्रावली चलेगी। फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन ने देश प्रदेश में हो रही घटनाओं के मामले में साझा करते हुए मानव तस्करी के बारे में लोगों को जागरूक किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मानव तस्करी कानूनन रूप से संगीन अपराध है। मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधों को खत्म करने के लिए अपने बच्चों को जागरूक करें। साथ ही महिला आयोग की चेयरपर्सन ने स्लम बस्ती क्षेत्र में मानव तस्करी के बारे में लोगों को जागरूक किया और वही इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो वही मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम तथा गुलामी इत्यादि कार्य उनकी इच्छा के विरुद्ध करवाए जाते हैं। यदि महिला थाना में छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो महिला आयोग उस पर संज्ञान लेगा और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारा ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, जिसमें हम हर जिले में 3 या 4 कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग झुग्गी एरिया में, लेबर क्लस्टर में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जिनमें हम बच्चों को, उनके माता पिता को अवेयर करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे हो रहा है, आज उसकी क्या स्थिति है और कैसे हम उसको उससे बच सकते हैं। तो ये सारा बताने के लिए हम पूरे हरियाणा में ट्रैवल कर रहे हैं। लगभग 17 ज़िले हमने कर लिए पूरे हरियाणा में, 4-5 ज़िले में रहते हैं, वो शायद जनवरी फरवरी में हम पूरे कर लेंगे। खबर अलीगढ़ से, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने को लेकर दो कस्टमर में पहले तो कहासुनी हो गई और इसके बाद दोनों कस्टमर आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। बता दें मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाका पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र में के अंतर्गत नादा वजीदपुर की गौशाला में अज्ञात कारणों के चलते चारे में आग लग गई है, जिसके बाद गौशाला के कर्मचारियों ने धुआं उठते देखा तो गौशाला संचालक को सूचित किया, जिसके बाद गौशाला संचालक ने तुरंत संज्ञान लेते हुए फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया, पर जब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। गौशाला आया था, हमें लेबर वालों ने बताया कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो मालूम पड़ा यहाँ आग लगी हुई है पूरे चारे में। आग लगी थी चारे में, गौशाला के चारे में। किस कारण आग लगी थी ये तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, पर काफी नुकसान है वहाँ। हरदोई में एक नाबालिग किशोरी ने गांव के कुछ लोगों पर छेड़छाड़ करते हुए मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि छेड़खानी का विरोध करने पर दबंग किशोरी से मारपीट करने लगे, जिसके बाद किशोरी अपने परिजनों के साथ पुलिस से शिकायत करने पहुंची, जहां पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्राम आगापुर में आपस में ये परिवार के लोग हैं, रास्ते को लेकर इनका विवाद है,
एक तहरीर जो है इसमें हुआ है कि कल संभ्रांत लोगों के बीच में आपस में इनका समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौता को न मान करके आज ये दोनों पक्ष आपस में लड़े हैं और दोनों तरफ से, एक तरफ से रति देवी पत्नी जगदीश कुमार और एक तरफ से रेणु देवी पत्नी अरविंद कुमार, दोनों तरफ से तहरीर आई है। हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी विधि का अनुरूप होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आगामी अलीगढ़ महोत्सव पे एएमयू के छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं को की तरह राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधा देने की मांग की है, जिसको लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद एडीएम सिटी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है जिस प्रकार से अलीगढ़ महोत्सव में अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में स्थित है उसको जो सुविधाएं, जैसे कि उनको कैंप, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कोहिनूर मंच के समक्ष उनको एक आरक्षित विशेष स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 2019 में राष्ट्रवादी सरकार आने पर जो दिया गया, करीब विद्यार्थी परिषद के 20 साल के संघर्ष के बाद ये यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को मिली है, उसको भी एक बराबर की हिस्सेदारी इस अलीगढ़ महोत्सव में दी जानी चाहिए। फरीदाबाद के बड़खल इलाके में नगर निगम ने फुटपाथ पर कपड़ों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों की रोजी रोटी के निस्तनाबूद कर दिया गया है। पीड़ित दुकानदारों का आरोप है कि वह दो दिन पहले केंद्र राज्य मंत्री से मिलने के लिए गए थे, जिसके बाद मंत्री के पीए ने नगर निगम में फोन कर उन्हें 15 दिन की समय देने की बात कही, लेकिन पूरे दिन ही नगर निगम के अधिकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने वहां से हटने का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। पीड़ित दुकानदारों के मुताबिक उन्होंने कर्ज लेकर यह दुकानें लगाई थी, अब उनके सामने कर्जा भरने के साथ साथ अपना और अपने बच्चों का पेट भरने की समस्या खड़ी हो गई है। ये तो एकदम नगर निगम आई और तोड़फोड़ करने लगी सर। क्या कोई नोटिस वगैरह या कोई भी नहीं, ना टाइम दिया ना नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया, सब माल खत्म से अनाज बर्बाद कर दिया। तो क्या वजह है, आपने कोई कब्जा नहीं कर रखा, सिर्फ कपड़े बेच रहे थे आप फोल्डिंग ऊपर लगाकर? हम तो बच्चे पालते गुजारा करते है जी, कोई हम तो दिन को लगाते, महीने तीन महीने आते फिर चले जाते सर जी। तो कोई नोटिस वगैरह या इससे पहले कोई अधिकारी ने आपको जानकारी दी हो? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। दो तीन दिन पहले बंद कराया था तो हमने कई बार जाके उनसे कहा तो उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं किया। मामला कुछ नहीं है जी, हम लोग हर साल लगाते थे, फिर सीजन बाद चले जाते थे, 10-15 दिन का और खेला था, पूरे जनवरी बाद चले जाते थे। इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया। पहले नोटिस वगैरह कुछ दिया था? नहीं, हमारे को कुछ नहीं दिया था, तो कोई नहीं कहते थे। आए अपना 20 दिन पहले आए थे, दो दो चारपाई लेके चले गए थे। तो कोई पर्ची वगैरह भी काटी जाती है? पर्ची भी तो नहीं काटते, ये पर्ची नहीं काटते, नहीं काटते, हम लोग दौड़ दौड़ के थक जाते। तोड़फोड़ की गई है जो फुटपाथ पर जो दुकानें जो रेडी लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो दुकानों का जो नुकसान है वो निगम की तरफ से किया गया है, क्या कुछ है पूरा मामला इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी, नगर निगम की तरफ से तोड़फोड़ की गई है, क्या कोई नोटिस वगैरह आपको दिया गया था? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अचानक आकर तोड़फोड़ हुआ है जी, अचानक आकर तोड़फोड़ किया गया है। किसके द्वारा तोड़फोड़ की गई है, कितना नुकसान आपका हुआ है? ऐसे लाखों का नुकसान हो गया, पूरा नुकसान है जी, पूरा नुकसान हो गया है, लाखों का नुकसान है। बिना नोट दीजिए SDO साहब आए, JCB से सारे तोड़फोड़ करवा दिए जी। कितनी दुकानें आपके यहाँ पर? यहाँ पे 10 दुकान है जी। 10 दुकान है क्या? कभी हम लोग एक बार सुमेर साहब के पास गए थे मिलने के लिए, पहले भी तोड़फोड़ हुआ था तो ऐसे बंद करा दिए थे दुकान, तो हम लोग गए थे सुमेर साहब के पास मिलने के लिए, वो दुकान बोले कि नहीं नहीं यहाँ से जाओ जाओ। हम लोग गए थे कृष्ण पार गुजर के पास, तो वो साहब मंत्री जी नहीं मिले, उनका पीए मिले, पीए से बात कराए थे सुमेर साहब के लिए, बात किए, वो बोले कि जाओ आप इनको सुमेर, वो पीए ने बात किए सुमेर से, उनसे सुमेर सिंह से, वो बोला कि 15 दिन के लिए इनको, गरीब आदमी के लिए ठंडा का मौसम में 15 दिन के लिए इनको दुकान लगाने का दिया जाए जगह। वो बोले ठीक है जी, 15 दिन हम लोग बोले कि 15 दिन में माल हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा, उस पर चले जाएंगे। उसके बाद अभी 3 दिन तो हुआ, उसके बाद तोड़फोड़ हो गया जी। ये थे दुकानदार जो जिनकी दुकान है, और हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? JP यादव। JP जी, दुकान तोड़ी गई है निगम की तरफ से, क्या कोई नोटिस वगैरह कोई? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया ना। क्या कुछ कह रहे? हम लोग तो सीजन भर लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये थोड़ी है कि हम लोग यहाँ कब्जा करके बैठे हैं। फुटपाथ है, आज हम लोग
यहाँ दो दिन आप देखना नहीं आएंगे या पब्लिक टट्टी करके भर देती है। तो कितना नुकसान हुआ है इस बीच? बहुत नुकसान हुआ है, कम से कम 10-10, 15-20 चरपाई एक एक आदमी का टूट गया, माल को मिट्टी में मिला दिए एकदम। आपको तस्वीर भी देख सकते हैं किस तरह से जो सामान है वो यहाँ फैला हुआ है, अब पोटलियों में इन सामान को भरा जा रहा है। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार गुप्ता। पप्पू जी, क्या नुकसान हुआ है, किसकी तरफ से तोड़फोड़ की गई है? नगर निगम की टीम आई है, तोड़फोड़ की है। क्या कोई नोटिस वगैरह दिया गया? नोटिस नहीं दिया गया, बस डायरेक्ट तोड़फोड़ हुई। तो एक आरोप है कि आप बाहर के बंदे ने दुकान लगा रखी है, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम तो यूपी के हैं, यहाँ भी हमारे घर मकान है, बच्चे यहीं पढ़ते हैं, हम तो यहीं गुजारा करते हैं, 20 साल से यहीं रह रहे हैं जी। फरीदाबाद में वोट कहाँ डालते हो आप? मैं गाजीपुर रहता हूँ, गाजीपुर में डालता हूँ। गाजीपुर में वोट डालते हो। भाजपा केंद्र और राज्य सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का प्रण कर आई है, जिसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। आपको बता दें कि किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसे निलंबित और बर्खास्त ही नहीं बल्कि जेल भेजने का काम किया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ने ग्राम पंचायत से लेकर तालाबों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगरा प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। डिप्टी सीएम ने मन से ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि डिप्टी सीएम ने कहा कि G20 के माध्यम से आगरा के विकास को गति दी जा रही है, आगरा को G20 के माध्यम से चमकाने का काम किया जा रहा है। ग्राम चौपाल अभियान के अंतर्गत गांव की समस्या का गांव में समाधान, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आज ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। जो काम हुए थे उनका निरीक्षण किया गया है, जो काम नहीं हुए उनको अभियान चला करके पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो चक मार्ग होंगे, चाहे तालाब की जमीन होगी, चाहे चारागाह की जमीन होगी, चाहे सार्वजनिक उपयोग की कोई भी जमीन होगी, उनको नाप करा करके, जांच करा करके और उन जमीनों को खाली करा करके जनहित के लिए जो उपयोग में आना है उसको उपयोग करने का काम करेंगे। खबर गाजियाबाद से, जहां महज एक टूल किट लूटने के लिए दो बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। जिस समय यह घटना हुई उस समय पीड़ित की पत्नी भी मोटरसाइकिल पर उसके साथी थी। बता दें कि पीड़ित का कहना है कि एक बदमाश पर दो बदमाश आए और उन्होंने उसकी कनपट्टी पर तमंचा रख लूट की कोशिश की। वहीं इस मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। दो बंदों ने मेरे को रस्ते में पकड़ा और मेरे साथ लूट लपाट करी और मेरे को गोली मार दी। गोली से तो मैंने जैसा मारा था तो मैंने उसको हथियार पकड़ लिया, तो मेरे को बस कंधे से छोटी निकल गई और बाकी जो है वो लूट पीट करें, मोबाइल वगैरह पर्सो छीने थे, लेकिन बाद में वो फेंक गई। मेरा एक टूल बैग था, उसे वो लेकर हम यहाँ से ड्यूटी से घर जा रहे थे, ये वॉशरूम के लिए वहाँ पे रुके, पता नहीं कहाँ से वो एकदम से दो जने आए और इनकी कनपट्टी पे कट्टा रख के और अंदर हमारी बाइक को और हमारे सामान को घसीट के अंदर एक खड्रसे में ले गए। वहाँ पे सारा सामान हमारा छीना, फिर बाद में इनके से हाथापाई की, इनको गोली मारी और इनका टूल किट का पूरा बैग उठा के लेकर बड़ा मोबाइल पर्स सब वही फेंक के चले गए। मेरे पास में तो फ़ोन गया था कि जो मेरे पास जहाँ राजनी वालों ने जो मुझे पकड़ा है और मुझे गोली मार दी गई है और सर में मार दी, मुझे इतना बताया गया था। फिर मैं तुरंत वहाँ से आ गई। थाना क्षेत्र मधुबन बाबूधाम के अंतर्गत दुहाई को जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक युवक मोहित चौधरी अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान दो अज्ञात युवकों द्वारा इनसे इनका बैग छीना गया, जिसमें विरोध करने के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा अवैध शस्त्र से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिससे इनको चोट आई। थाना पुलिस ने तत्काल जैसे ही जानकारी हुई तत्काल ही मौके पहुँच के इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ये अभी स्वस्थ हैं, अपना उपचार करा रहे हैं। इनके द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अज्ञात लुटेरों की तलाश हेतु टीम गठित की गई है। शीघ्र ही आगे कार्रवाई अमल में आई जाएगी। संभल में मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही लोहड़ी पर धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर चंदौसी के एक एबीएससी मॉन्टेसी स्कूल में खास कार्यक्रम का आयोजन कर लोहड़ी पर मनाया गया। इस दौरान स्कूल के टीचर ने बच्चों के साथ जमकर भांगड़ा और डांस किया, जिसके बाद अलाव जलाकर लोहड़ी के गीत गाए गए। इस दौरान स्कूल की संचालिका ने बच्चों को लोहड़ी पर का महत्व समझाया। आज जो कार्यक्रम हुआ है, पंजाबी धर्म से जो हम लोग लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं और स्कूल सिखाता है कि अनेक धर्म है लेकिन हम लोग सब लोग एक हैं, तो सभी लोग मिलके
हम लोग हर पर्व मनाते हैं अपने बीसी मॉन्टेसरी में, तो आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ने लोहड़ी सेलिब्रेट करी है, जो पंजाबी का मेन प्रोग्राम होता है, मेन उत्सव होता है। लोहड़ी जल रही है, उसमें टीचरों ने बताया है कि बुराई हमें लोहड़ी की आग में फूंकनी है और अच्छाई से आगे पूरे साल काम करना है। खबर लखनऊ से है, जहां नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देशानुसार प्रचार विभाग द्वारा नगर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने व नगर को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से लगातार नियमों के रूप में अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने का अभियान आठों जोन में चलाया जा रहा है। बता दें कि इस अभियान में कुल 278 होर्डिंग, 1700 पोल बोर्ड, 5000 पोस्टर, 1200 सिम्पैक, 17 बैनर और 15 पीडब्ल्यूडी के दिशा सूचक से एक चौराहे से दो बस शेल्टर और एक ट्रैफिक आईलैंड को हटाया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।